1978 का रोड जाम हो जाता है। मटन से रोड कैसे जाम हो जाएगा? होता है, मतलब कोई झूठ नहीं बात बोली है। 12 बजे के बाद देखिएगा पूरा रोड जाम रहेगा खुशबू से। तो बड़ा डेंजरस मटन है जी। हम लोग सीतामढ़ी से है, जब भी आना होता है तो यहीं खाते हैं। तो स्वागत है जी एक नए से ब्लॉग में। अभी हम हैं एक ऐसे जगह पे जो कि 50 साल पुराना है, और आप मेरे पीछे जो चौक देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं चौक पे जो रुका हुआ है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं इस चौक पे रुक जाते हैं उनकी गाड़ियाँ थम जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटन का खुशबू है ना भाई साहब, वो जब आता है ना तो सारा व्यवस्था मतलब रुक जाता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसी को आज हम देखने के लिए, पहचानने के लिए आ गए हैं एक ऐसे जगह पर जो कि नॉर्थ बिहार का काफ़ी ख़ास जगह है। और ये जगह कौन सा है? ये जगह है अमरमीट। यहाँ का वीडियो 1 साल 1.5 साल पहले हमने किया था लगभग। मटन तास यहाँ पर बहुत स्पेशल है, उस समय मटन तास हमने दिखाया था, स्टू भी थोड़ा कवर किया था, लेकिन आज स्पेशली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पर है? मटन स्टू पर। तो चलेंगे, पूरा प्रिपरेशन देखेंगे। और आज बहुत बारिश हो रही थी, इस बारिश में भी हम आए हैं आप लोगों के लिए आज एक कंटेंट लेकर। और चलते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसेस। और मटन तैयार नहीं होता है कि लोग अपना अपना जगह जो है, स्थान जो है, वो ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो मुजफ्फरपुर का एक स्पेशल जायका है मटन लवर्स के लिए। लोकेशन जो है, लोकेशन मैं बता दूं, लोकेशन अभी हम जहां पर हैं मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक के पास। तो यहां पर आप आइएगा तो आपको मिलने वाला है अमर मीट हाउस, अमर मटन जो बोल लीजिए, और लूटेंगे लहरिया अपने टेस्ट का, अपने स्टाइल में, और करेंगे आप लोगों से अपने जायके का एक्सपीरियंस शेयर। चलिए चलते हैं। तो ये भाई साहब, ये तेल जो है अभी तेल जा रहा है, तो कितना मटन है आज? आज मटन 18 किलो है। 18 किलो है, तो ये क्या तैयार हो रहा है? ये मटन ग्रेवी तैयार हो रहा है। अच्छा, मटन मतलब ग्रेवी हो रहा है, ये मटन स्टू बनेगा? हाँ, मटन स्टू बनेगा। अच्छा, मटन स्टू बनेगा लगभग अभी 3 किलो। 3 किलो? अच्छा, यानी 17-18 किलो में 3 किलो तेल जाता है। और भाई साहब, मटन स्टू जो है ना, मतलब एक अल्टीमेट, मतलब जो होता है ना, एक एम्बियंस होता है, तो यहाँ लोग मटन स्टू बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये खाने के साथ हो गया ना, सुबह चावल हो गया, रोटी हो गया। अच्छा, चावल रोटी दोनों का व्यवस्था है? चावल रोटी दोनों का व्यवस्था है, पराठा हो गया। पराठा? अच्छा, पराठा भी? पराठा। हाँ 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 हाँ। ये देखिए भाई साहब, ये प्याज, प्याज कितना है लगभग? 14 किलो है प्याज। 14 किलो है? अच्छा, यानी 18 किलो में 14 किलो जाता है प्याज। 18 किलो में 14 किलो प्याज आता है। क्या बात है। और इसको मतलब कितना बारीकी से काटा गया है आप चेक कर सकते हैं गाइस। हुलहुलाहट होने लगा जी है। ये क्या क्या है एक बार दिखाइएगा जरा। मिर्चाई है, चटपटा है, जीरा है। एक बार फिर से हमको दिखाइए जरा सा। ये है मिर्चाई हो गया, ठीक है, चटपटा हो गया, जीरा हो गया, और बड़ा इलायची हो गया, छोटा इलायची हो गया। अच्छा, सारा मसाला है इसका, फोरन जाएगा, है ना? फोरन जाएगा। और देखिए फोरन जाने का जो मजा है ना, आ हा हा, छौंका जो होता है, ओहो, ये देखिए भैया एकदम बिहारी स्टाइल तैयार कर रहे हैं क्या? यस। और ये देखिए भाई साहब, ये पूरा प्याज जो है, ओहो, ओ भाई साहब जबरदस्त, क्या बात है। देखिए एकदम हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, प्लेट उठाया जा रहा है, प्लेट से यहाँ पे प्याज को ले लेकर इसमें डाला जा रहा है। अच्छा, ये प्याज मतलब हाथ से नहीं डालते हैं, प्लेट से ही आप लोग यूज़ डालते हैं? हाथ से नहीं, प्लेट से डालते हैं, उसके बाद गंदा ना हो प्याज। गंदा ना हो जाए, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए गाइस, क्या बात है, मतलब गजब का एम्बियंस है भाई साहब, गजब का एम्बियंस है। के साथ ज़्यादा करके चावल साथ, चावल, चावल का मजा है एकदम, लहरिया लूट जाएगा हैं। इसमें चावल खाइए, चावल है कि नहीं भाई? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया, कहाँ सीखे मटन बनाना? मटन बनाना तो यहीं सीखे हैं। अच्छा, यहीं सीखे हैं, क्या बात है भाई साहब। ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए भाई साहब एकदम अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। पूरा प्याज अभी नहीं जाएगा? अभी पूरा प्याज नहीं, अभी प्याज को थोड़ा सा ग्रीन करेंगे। अच्छा, अभी ग्रीन करला के बाद उसके बाद पूरा प्याज जाएगा। अच्छा, मतलब एक साथ पूरा नहीं डालते? एक साथ पूरा नहीं डालते, काहे ऐसा? काहे पहले लाल कर लेंगे कि स्वाद आए बाद में, कि हाँ के लालापन तरफ के लगेगा प्याज। ये देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब पूरा प्याज का बारिश जो हो रहा है, ये अभी एकदम बारिश कर दिया गया है एकदम, वाह क्या बात है एकदम। और एकदम ये देखिए,
इस पतीले के मदद से ही प्याज को, जो बचे हुए प्याज हैं ये उठाकर इसमें डाले जा रहे हैं। ये देखिए इस प्याज को चलाया जा रहा है। प्याज को चलाना भी बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा कला है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये प्याज को अब ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और कलेजी और ये मतलब चुस्ता चला गया है, तो उसको पहले डालने का कारण क्या होता है? इससे पहले डालने का होता है कारण के टेस्ट बढ़िया आता है, फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। फ्लेवर ज़्यादा, हाँ, अच्छा फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। बहुत बढ़िया। और टेस्ट में आपको चेंजिंग लगेगा? टेस्ट में चेंजिंग रहेगा अलग, और एकदम गला हुआ रहेगा चुस्ता के जैसे लगेगा, एकदम मिठाई जैसे खा रहे हैं। अच्छा रसगुल्ला ऐसा? रसगुल्ला जैसे, रसगुल्ला रसगुल्ला की तरह जैसे लगेगा। ऐसे करने से इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अच्छा ये कारण है ना? बस 5 मिनट और। 5 मिनट और कितना देर लगता है पूरा मटन बनने में? पूरा मटन बनने में 1 घंटा। 1 घंटा में पूरा मटन तैयार हो जाता है? पूरा मटन 1 घंटा में तैयार हो जाता है। अच्छा तो बहुत जगह लोग बोलते हैं कि हम बाहर में खाते नहीं हैं, कहीं डर है कहीं बकरी ना खा जाए, है कहीं असली खस्सी मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ एकदम ओरिजिनल खस्सी मिलेगा? यहाँ ओरिजिनल एकदम खस्सी मिलता है और बहुत पुराना दुकान है। और कितना पुराना ये हो गया? ऑलमोस्ट 1978 का है। 78 का है? हाँ 1978 का है, तो ज़्यादा चालू हो गया। ओहो भाई साहब, मतलब ये क्या है? ये मटन है, ये मटन। और मटन आप देखिए भाई साहब, मटन बहुत, देखिए ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने में पीसेस दिखा रहा हूँ, बहुत फाइन है, बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर मटन अभी आपको दिख रहा है, और कलर सही पहचान आ जाता है कि असली खस्सी है कि नहीं। क्या हम सही बोल रहे हैं? सही सही। कि गलत झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सही बात। कि हम झूठ तारीफ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा ये देखिए ये जा रहा है। अच्छा इसको भी आप लोग इससे ही डालते हैं, हाथ से यूज़ नहीं करते हैं ना? नहीं। कितना ये एग्जैक्ट लगभग मान के चलिए 18 किलो है क्या? 18 किलो है। मटन थोड़ा भारी भी होता है। नहीं किया। और ये दूसरा पतीला भी यहाँ पर चला गया। ओहो भाई साहब, इसमें होता है क्या, हम तो मटन देते हैं ना, टेस्ट बढ़िया रहना चाहिए, फ्लेवर बढ़िया रहना चाहिए। अच्छा। उसके बाद खाने के बाद भी अच्छा लगना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, चटकार होना चाहिए। हाँ, मतलब फिर ये दिल मांगे मोर। इसको अभी कम से कम आधा घंटा बनिएगा। तो अभी ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ओ हो, रोड है ना, तो जाम लग जाता है बनना के बाद। अच्छा यहाँ के स्वास्थ्य रोड जाम हो जाता है? हाँ, बनना के बाद रोड जाम नहीं हो जाएगा। क्या बात है। और इसे भी चौक है, है? अब नमक जाएगा। अच्छा अभी नमक जाएगा। हाँ, नमक जाएगा। नमक लगभग कितना अंदाज से डालते हैं? 18 किलो अंदाज से। इसका जो अभी फ्लेवर वाला जो जायका मिल रहा है ना, वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये क्या जा रहा है, एक बार मुझे दिखा दीजिए पहले। ये हल्दी है? हाँ हल्दी। अच्छा हल्दी पाउडर है, ये हल्दी जा रहा है। एकदम लेयर वाला सजावट कर दिया आप तो। हाँ वाह, ये देखिए भाई साहब, ये थोड़ा सा हल्दी और गया है ना? हाँ थोड़ा सा हल्दी और गया है, कम पड़ गया था। अच्छा टेस्ट बहुत बढ़िया यहाँ का रहता है? बहुत हद से ज़्यादा बढ़िया रहता है। और आप खा के नहीं होता है तो एक बार चेक करके देखिएगा कैसा फ्लेवर रहता है इसका। बहुत बढ़िया खुशबू आता है, पूरा चौक दमक जाएगा जब मसाला रखने। पूरा चौक एकदम, पूरा चौक दमक उठेगा। ये देखिए एकदम जोर लगा के हाइसा एकदम कर रहे हैं एकदम, है मटन के लिए कुछ भी होगा। रोड जाम हो जाता है। मटन से रोड कैसे जाम हो जाएगा? खुशबू से। अच्छा इसके खुशबू से? हाँ, नहीं बात बोलिए। 12 बजे के बाद देखिएगा पूरा रोड जाम रहेगा इस मटन को, इसके हाँ। मटन का खुशबू, खुशबू से। तो बड़ा डेंजरस मटन है जी। यस सर, पूरा जाम ही लगा देगा। पूरा जाम लगा देगा, यहाँ पर बहुत पुराना दुकान है इसलिए। वाह भैया वाह, क्या क्या है इसमें? मरीच हो गया, मिर्चाई हो गया, धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया। अच्छा ये सब है सब। तो ये क्या बाजार का यूज करते हैं, खुद का पिसवाया हुआ? खुद का पिसा हुआ रहता है। अच्छा खुद का पिसा हुआ रहता है? खुद का पिसा हुआ रहता है, जीरा मरीच मिर्चाई खुद के पिसा हुआ रहता है। शुरू से मतलब खुद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू से? अच्छा ये डाल दिया गया भाई साहब, बारिश कर दिया गया है। आह एकदम प्यार से कर रहे हैं बारिश। आये हाय हाय हाय, क्या बात है भाई साहब, मटन बुरा नहीं मान जाया है। यस क्या बात है भैया। मसालों के जाने के बाद जो जो खुशबू मुझे मिलना शुरू हुआ है वो अल्टीमेट मिला है। ये देखिए कितना बढ़िया, वाह ये देखिए। कितना देर में मिलेगा? अरे मटन भैया मटन 20 मिनट में मिलेगा? हाँ 20 मिनट में मिल जाएगा। ओ भाई साहब पूरा रोड जाम हो गया आपका तो। इसमें मसाला डाले अपना हाथ से, कुछ छुपा के नहीं ना डाले हैं? नहीं, नहीं। इतना सुगंधित आ रहा है, मतलब हम क्या बताएं, जबरदस्त आ रहा है।
पानी निकलना इसलिए चालू हुआ है कि धीरे धीरे प्याज भी गल रहा है, मसाला भी हो जा रहा है। अच्छा, तो इसके प्याज गलने जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे हल्का हल्का पानी छोड़ेगा। क्या बात है, ये क्या जा रहा है? ये लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, लहसुन का पेस्ट है ना। देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखा दूँ, प्याज में थोड़ा सा भी पानी नहीं गया है, लेकिन प्याज का पानी निकलना शुरू हो गया है ना, बुनाते बुनाते बुझाते बुझाते पानी निकलना चालू हो जाता है पेस्ट में। सिर्फ लहसुन है, सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है? अदरक नहीं रखाता है। अच्छा, अदरक नहीं डालता है? अदरक नहीं डालते हैं। बिना, बहुत लोग बोलते हैं बिना अदरक का स्वाद नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिना अदरक अदरक नहीं डालते हैं। कितना आदमी की बीमारी रहता है इसमें, बवासीर रहता है, बवासीर रहता है ना, तो कितना आदमी करता है अदरक डाल के नहीं खाते। अच्छा, लेकिन अदरक नहीं डालेंगे लेकिन खाएंगे मटन? हाँ, लेकिन खाएंगे मटन, बताइए। इसलिए हम सोचते हैं कि लहसुन सिर्फ डालें। अच्छा, सिर्फ लहसुन ही डालते हैं। ये गोल मिर्च है। अच्छा, काली गोल मिर्च, काली गोल मिर्च। अच्छा, ये खड़े खड़ा डालते हैं? हाँ, खड़ा डालते हैं, स्वाद अलग आ रहा है। अच्छा, स्वाद अलग। और ये जा रहा है? ये सब जीरा होगा। अच्छा, जीरा, सब जीरा, सजीरा, सजीरा। क्या बात है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि खाने में अच्छा लगता है। ये ऊपर से डालने पे? ऊपर से जलना नहीं चाहिए ये। अच्छा, इसको मिलाया जा रहा है गाइस। ये क्या है, एक बार दिखाइएगा। ये जावित्री है। अच्छा, ये जावित्री है। जावित्री से क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हल्का मीठापन चढ़ाता है, टेस्ट अलग होता है इसे। लौंग, ये लौंग हो गया, लौंग भी डालते हैं? हाँ, लौंग डालते हैं। क्या बात है भाई साहब, वाह। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला गया है ना इसमें, थोड़ा सा भी पानी नहीं डाले, थोड़ा सा। और ये प्याज का ही पूरा रस है ना? सिर्फ प्याज का रस है, प्याज मसाला। तो पानी इसमें डालते हैं कि नहीं डालते हैं? पानी थोड़ा सा बाद में डलाता है एक जग। अच्छा, बस थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा ग्रेवी, मतलब समझिए तो प्याज ही पूरा एकदम तैयार है, प्याज ही का पूरा रस होगा। पूरा प्याज ही के रस रहता है, पूरा लटपट होना चाहिए, लटपट होना चाहिए। ज्यादा है लड़का डिमांड है, यहाँ पर हर चीज का डिमांड है। यहाँ पर जैसा आता है वैसा कस्टमर, जैसा खाने का च्वाइस करता है वैसा मटन मिलता है, मतलब हर चीज़ लोग पसंद करते हैं। तो अब तो मसाला इसमें कुछ नहीं जाएगा? अब मसाला कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हल्का सा भुजाएगा 10-15 मिनट, 10 से 15 मिनट भुजाएगा, उसके बाद तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया। क्या प्राइस होता है मटन का, एक बार बता दीजिए? मटन का 240 रुपये प्लेट है। 240 रुपये प्लेट, तो प्लेट में क्या क्या आता है? एक प्लेट में 4 पीस मटन आता है सिर्फ। अच्छा, चावल 40 रुपये प्लेट है, रोटी 6 रुपये पीस है, 40 रुपये प्लेट है। तो कोई हाफ प्लेट भी ले सकता है? हाफ प्लेट, फुल प्लेट, जितना आपको मन करे उतना खाइए। यानी कि देखा जाए तो 240 में 4 पीस मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और अपने चॉइस से पीस ले सकते हैं? अपने चॉइस का पीस ले सकते हैं। इसमें लड़ फ्री दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वो तो आपने बोलिएगा, आप बोलिएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं ना होगा? ना, लड़ाई झगड़ा बहुत लोग सुनते हैं कि लड़ के लिए भी लड़ाई कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो अभी एकदम भुना जा रहा है, कितना देर तक भुनिएगा अभी? 10 मिनट और। ये क्या जा रहा है? ये दिखाइएगा, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, पूरा कुचा हुआ है, मतलब पूरा थुरा हुआ है, वो पूरा पिसा हुआ है, अपने हाथ से थुरे अभी, उसके बाद रखेंगे। तो अब तो कोई मसाला नहीं जाएगा, मतलब मटन देख के ही लग रहा है कि तैयार हो गया है एकदम। और लोग एकदम लाइन लगाने लगे हैं, अभी से सब लोग बैठ गए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लोगों की भीड़, मैं दिखा दूं, मटन बनने से पहले जो है लोग यहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ये देखिए भाई साहब, ये पूरा मटन ऑलमोस्ट तैयार हो गया। ये क्या पार्सल वगैरह हो रहा है? हाँ, पार्सल हो रहा है, पार्सल ऑर्डर देते हैं तो पार्सल हो जाता है, खाने के आता है बैठ जाइए टेबल पर ना खिला देते हैं। अच्छा, पार्सल वगैरह की व्यवस्था है यहाँ। ये देखिए मटन वाला थाली जो है ना वो सजना शुरू हो गया है, और बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत अच्छा, मतलब एकदम जेन्युइनली बहुत बढ़िया। कितने दिनों से खा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 2011 से खा रहे हैं। 2011 से खा रहे हैं वो, जब भी मुजफ्फरपुर आना होता है, हम लोग सीतामढ़ी से हैं, जब भी आना होता है तो यहीं खाते हैं, बहुत बढ़िया है, वहाँ से अच्छा। सो फाइनली गाइस, प्लेट हमारे सामने में है, और चावल देखिए कितना फाइन चावल है, 2 पीसेस हमने लिया है, और रोटी लिया है, ट्राई करेंगे। थोड़ा नज़दीक आइएगा, पीस पे थोड़ा देख, पीस देखिए भाई साहब, पीस यहाँ पर है, और रोगन कितना बढ़िया निकला है। इसके रोगन के साथ थोड़ा सा हम पहले रोटी ट्राई करते हैं, ये देखिए इसमें मिलाया, और अब ट्राई करते हैं।
अलग मसालों का फ्लेवर है। स्टू काफ़ी लाइट है, बढ़िया है। एक बार और फिर से देखिएगा, ये देखिए पूरा रोगन जो है जो कि ग्रेवी में मिला हुआ है, ये देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन पूरा। इसमें डुबाते हुए करते हैं ट्राई। टेस्ट बहुत बढ़िया है, रिकमेंडेड है, एक बार आइए। और आपको मैं बता दूं, पहला लॉट 17-18 किलो का तैयार हुआ है और दिन भर लॉट चढ़ता है। स्टू का मटन तास यहाँ पर बहुत फेमस है स्टू के साथ, और मटन तास एक दिन में ना 40 किलो 45 किलो तक चला जाता है, और बहुत लोग भीड़ लगाए हुए हैं। मेरे पीछे भी आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, और ये पीछे भी देख लें, ये देखिए। और आइए वापस से हम अपने थाली पे आते हैं। ये देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया चाप का पीस यहाँ पे है। यहाँ से भी हम थोड़ा ग्रेवी जो है ये उठाते हैं, इसमें डुबाते हैं और ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये देखिए पीसेस कितना सॉफ्ट है। गर्म बहुत ज़्यादा है ना, इसके कारण मैं, हालांकि रोटी भी गर्म है, ये देखिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए ये पूरा अलग हो रहा है, गर्म बहुत ज़्यादा है भाई साहब, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये देखिए ओहो एकदम मखमल की तरह, इसे पीस को निकाला, इसमें डुबाया और अब करते हैं ट्राई। बहुत बढ़िया, ये जो प्लेट है ना 240 रुपये में ये चार पीस आता है, चपाती 6 रुपये पड़ता है, और चावल लेंगे तो 40 रुपया, हमने थोड़ा लिया है, हाफ लेंगे तो 20 रुपया, फुल लेंगे तो 40 रुपया। और भीड़ बहुत है भाई साहब, भीड़ बहुत है, तो हम भी करते हैं जल्दी से ओवर। और जगह यहाँ पर लेना ना ये भी बहुत बड़ा काम है, और इस जगह पे बहुत लोग आ रहे हैं, 40-45 साल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इतना भीड़ है कि भाई बहुत जल्दी से रिव्यू करेंगे और और निकलेंगे, क्योंकि लॉट पर लॉट आ रहे हैं, एक बार में झुंड आ रहे हैं, उतना जगह नहीं है जितना लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो खैर ओवर करते हैं जल्दी से अपने थाली को और मिलते हैं एक नए जगह पर एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए लहरिया लूटिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बने रहिए।